तो हाय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बेहतरीन वीडियो के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जो है सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। तो हाय दोस्तों, मैं सूरज मंडोल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्वेलर वर्ल्ड। तो कैसे आप लोग दोस्तों? मैं हूँ बहुत बढ़िया। और अभी लॉकडाउन भी खुल चुका है पुणे में, अभी लॉकडाउन नहीं रहा, मतलब शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन होता था पूरा, अभी वो नहीं रहेगा, अभी खुला ही रहेगा। दोस्तों बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि बांगड़ी का जो माप है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। हालांकि दो दिन वीडियो है उसके ऊपर, फिर भी शायद वो थोड़ा क्लियर नहीं है। तो आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा पूरा फ्लैट बांगड़ी का, जो फ्लैट बांगड़ी बनने के लिए जो माप रहेगा और उसका जो तार जो काटना पड़ेगा, वो मैं सिर्फ आज का वीडियो में फ्लैट बांगड़ी के बारे में बताऊँगा। और कल और नहीं तो परसों और एक वीडियो लाऊँगा जिसमें ओबेल बांगड़ी का वीडियो बनाऊँगा। फ्लैट बांगड़ी मतलब ये बांगड़ी देखिए, जो पहले फ्लैट में सजाया जाता है उसके बाद उसको गोल करके बिजली लगाया जाता है, यह फ्लैट बांगड़ी। और ओवल बांगड़ी मतलब जिसको डायरेक्ट बिजली गोल करने के बाद सजाया जाता है, फिर उसको सोलर किया जाता है, वो ओवल बांगड़ी। तो आज सिर्फ मैं फ्लैट बांगड़ी का बारे में बताऊँगा। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, छोटा सा बात है, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप मतलब शांति से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले भी देखिए माप, आप देख लीजिए पहले यहाँ पे जो लिखा है, आप पहला पे माप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे फ्लैट बांगड़ी जो देखिए, यहाँ पे मैंने चार हिस्से किया, जिसमें इधर एक साइज है, उसके बाद है डिजाइंस और इंचिस, और एल बी जिल का इंचिस और हाफ राउंड का इंचिस, इधर चार हिस्से में मैंने माटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइज देखिए, दो चार का अगर साइज है और फ्लैट बांगड़ी है, तो आपको जो डिजाइन सजाना पड़ता है ना, जो फ्लैट में सजाना पड़ता है, तार आपको काटना पड़ता है 7 इंच और 11 तार, फिर वो तार काट के आपको सजाना है। सजाने के बाद आपको उसको प्लास्टर से शोल्डर करना है, शोल्डर करने के बाद उसको गोल कर लेना है। गोल करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, जो बिजिल जब आप उसको बनाएंगे ना, बिजिल जब बनाएंगे तो बिजिल को एक दाग चौड़ा करना रखना है, और बिजिल को काटना है 7 इंच 4 दाग तक, और काट के गोल करने के बाद जो बांगड़ी आपने बनाया उसके साथ लगा के फिटिंग करके चेक करना है ठीक ठाक है कि नहीं। थोड़ा अगर ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा तार को 7 इंच 4 तार जो आपने तार एल बी जिल काटना है उसको थोड़ा सा कम काटिए, और अगर छोटा हो रहा है तो थोड़ा बड़ा काट के गोल करके चेक कर सकते हैं एल बी जिल। अगर एल बी जिल के बाद अगर आप हाफ राउंड लगाते हैं, वजन है ज़्यादा आपके पास, तो हाफ राउंड आपको काटना पड़ता है 7 इंच और 3 दाग, 7 इंच 3 दाग काट के वापस उसको गोल करना है और चेक करना है। तो दोस्तों उसके बाद आप जो जब 2-5 का साइज का अगर बांगड़ी बनाएंगे तो वही सिंपल सा हिसाब आपको करना है, 7 इंच और 14 दाग सजाना है, उसके बाद 7 इंच और 7 दाग बिजली करके चेक करना है, और हाफ राउंड अगर लगाना है तो 7 इंच 6 दाग। तो मैं आपको अभी 2-6 का बताता हूँ। देखिए 2-6 का साइज अगर आप बनाएंगे तो आपको जो है 8 इंच और 1 दाग का डिजाइन सजाना पड़ेगा मुंह में, फ्लैट में लंबा करके। तो उसके बाद डिजाइन आपको सजा लेना है, जो भी डिजाइन आपको रहेगा, जो भी रहेगा आपका डिजाइन वो बना लेना है, शोल्डर करना है, गोल कर लेना है। और उसके बाद जब आप बिजली लगाएंगे, जब बिजली का बाड़ी आएगा तो आपको 7 इंच और 10 दाग बिजली को काटना है, 1 दाग चौड़ा करके लगभग, और उसको भी चेक करना है ठीक ठाक हो रहेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हाफ राउंड लगाना है आपको 7 इंच और 9 तक। तो ये हो जाएगा 2-6 का साइज। फिर 2 का 7 जो है लिखा है सेम वही वैसे करना है। फिर 2-8 का जो है साइज देखिए, जो लिखा है डिजाइन 8 इंच और 7 दाग, और इधर का एल पी जी 8 इंची, और हाफ राउंड 7 इंच और 15 दाग, मतलब 8 इंच से 1 दाग कम, इस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए ये जो माप है इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और एक जो ट्रिक्स आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ वो है, यहाँ पे देखिए माप देखिए, 2-4 है, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 है। तो 2-4 का साइज है 7 इंच और 11 दाग, फिर बिजली लेता है 7 इंच और 4 दाग, फिर अगर आपको हाफ राउंड लगाना है तो आता है 7 इंच और 3 दाग। तो इसमें एक जो है कॉमन चीज़ देखिए, जब एक साइज माप बढ़ता है, 2-4 से अगर 5 हुआ तो देखिए 7 इंच 11 दाग था 2-4 का माप, और 2-5 का हो गया 7 इंच 14 दाग, फिर 2-6 का जो माप है उसका डिजाइन आ गया 8 इंच और 1 दाग, फिर 2-7 का जो साइज है उसका डिजाइन आ गया 8 इंच और 4 दाग, फिर 2-8 का जो साइज है उसका डिजाइन आ गया 8 इंच और 7 दाग। मतलब देखिए ऊपर से नीचे तक देखिए 3 दाग करके बढ़ रहा है, जब एक आना माप बढ़ रहा है, बांगड़ी का साइज बढ़ रहा है, तो हर हिस्से में देखिए 3 दाग करके बढ़ा हुआ। देखिए देखिए चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पे देखिए 7-11 से 7-14 हुआ, उधर 7-4 से 7-7 हो गया, और जो इधर देखिए 7-3 से 7-6 हो गया,
मतलब एक आना जब साइज बढ़ गए तो तीन दाग हर जगह पे तीन लाइन तीन दाग जो है बढ़ चुका है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते माप होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही ईजी तरीका है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी माप बनाएंगे तो चेक करके करना है। बिजिल और हाफ राउंड एल बिजिल हाफ राउंड जब लगाएंगे तो उसको चेक करके लगाना है और बैंड देना है, बैंड करना है। और वो बैंड कैसे करते हैं बांगड़ी, जो बिजिल जो मोड़ते हैं ना एल बिजिल को, उसको गोल जब करते हैं प्लस से पकड़ के। अगर आपको देखना है तो मेरा जो दूसरा बांगड़ी का वीडियो है वो आप देख लीजिए। अगर आप दूसरा बांगड़ी का वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा, ऐसे बनता है फ्लैट बांगड़ी माप। मतलब बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मतलब आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको लगता है नहीं माप कैसे करेंगे कैसे करेंगे, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है माप के हिसाब से, बांगड़ी के हिसाब से। कभी कभी एक दाग ज़्यादा भी काटना पड़ता है, कभी कभी एक दाग कम भी काटना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको सबके साथ ऐसा होता है। तो पहले इसीलिए एक हमेशा चेक करना है, जैसे मैंने बताया माप ऐसे ही करना है, सेम करना है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अगर दो तीन बार करेंगे, एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इतना ही था। और एक बात, आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो आपके साथ वापस मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।